हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक और स्वागत एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, एग्ज़ाम जब पास आता है ना तो दिल में काफ़ी सारे सवाल भी हैं। अच्छा, अभी जो टाइम है वो बिल्कुल अपोजिट है, क्राइसिस का एक महामारी चल रही है और बहुत सारे बच्चे हैं जो महामारी से लड़कर जीतकर अब वापस आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 15 दिन 20 दिन वो पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। तो अब उनके दिल में भी थोड़ी सी कमजोरी आ गई है कि सर कैसे पढ़ें, क्या पॉसिबिलिटी है, प्लीज़ कुछ बताएं, कुछ टिप्स ट्रिक्स, मतलब ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो सर बच्चे फ़ोन कॉल भी करते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको ये बताने की कि अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी आप मई के मिड में हैं तो जून और जुलाई 2 महीने का टाइम मिल जा रहा है अगर ऑन डेट एग्ज़ाम होगा, और अगर एग्ज़ाम थोड़ा पोस्टपोन्ड होता है तो आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। सवाल ये आता है कि 2 महीने में पढ़कर क्या MBBS मिल सकता है, क्या कुछ हो सकता है? तो यार देखो, अगर आपको नहीं पढ़ना है, आपको हार मानना है, तो आप सुन लो कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको लड़ना है, आपको जीतना है, तो मैं बोलूँगा कि भैया बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, तुम ट्राई तो करो एटलीस्ट। हो सकता है कि आप जो पढ़ो वही एग्ज़ाम में आ जाए, फ्यूचर किसी देखा तो है नहीं, हो सकता है कि मतलब काफ़ी कुछ हो सकता है यार, ठीक है ना। दूसरी बात, करना क्या है यार? देखिए, बीमार होने से पहले आपने जितना पढ़ा होगा आई थिंक वो आपको पता होगा। अगर थोड़ा बहुत भूले भी हैं आप, तो थोड़ा सा रिवीजन कर कर आप उन चीज़ों को जो है फिर से याद कर सकते हैं, क्योंकि समय जब कम बचता है तो हमें अभी 1 अगस्त को ही टारगेट पर चलना है। तो कोशिश करिए कि आप दिन में 2 शिफ्ट बनाइए, 1 शिफ्ट बनाइए जब आप चीज़ों को रिवाइज करिए प्रीवियस वाला, एक्स्ट्रा कुछ नया पढ़ने का प्रयास ना करें, क्योंकि समय जब कम है आप ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करो तो पिछला भूल जाओगे, ठीक है ना। जो आप पहले पढ़ चुके हो, चाहे वो सिलेबस 80% हो या 90% हो, उतने पर रोक दो। दिन का शेड्यूल आप अगर बनाते हैं 2 घंटे फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 बायोलॉजी, तो उसको प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज करने का प्लान करें। और शाम का जो आपका जो इवनिंग शिफ्ट होता है, कोशिश करें कि मिनिमम 1 या फिर 2 सेट नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या फिर जो टॉपिक वाइज नीट के क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं बहुत सारी बुक्स में, चाहे वो MTG हो चाहे वो अरिहंत हो, उन क्वेश्चंस को कम से कम एक चैप्टर से 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। अगर आप डेली 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लगभग आप एक हफ्ते में 2 चैप्टर फिनिश कर लोगे, क्योंकि एक मतलब जो चैप्टर में या एक अध्याय में आपके जो क्वेश्चन होते हैं मिनिमम 100 समथिंग ही होते हैं, आप 2 दिन में 3 दिन में फिनिश कर लोगे, तो एक हफ्ते में 2 चैप्टर, ठीक है। ऐसे करके आप अगर पढ़ोगे तो आपके पास 2 महीने हैं, आप इजी वे में जो है कंप्लीट सिलेबस जितना भी आपने पढ़ा है वो सब फिनिश हो जाएगा। होगा क्या कि जब आप रिवीजन करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है और चीज़ें याद भी हो रही हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको परफेक्ट बना देगा। दूसरी बात, अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है यार, तब आपका पूरा फोकस होगा नीट के क्वेश्चन पेपर पे ही। आप दिन में 3 घंटे दे दीजिए रिवीजन को, और बाकी जो आपके पास 10-12 घंटे मिलते हैं, 8 घंटे 10 घंटे, उनमें आप नंबर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन। हो सकता है कि आपको एक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, आप अच्छा स्कोर ना कर पाओ, तो उन प्रॉब्लम्स को हमें इग्नोर करना है, उनसे डरना भी नहीं है, क्योंकि 1-2 टेस्ट 3 टेस्ट खराब होने से आपके नॉलेज पे या आपके कॉन्फिडेंस पे कोई भी वो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी, और एक्यूरेसी बन जाएगी तो फिर आप अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करोगे, क्वेश्चन को समझ के आंसर दोगे, और फिर काफ़ी कुछ बदल जाएगा। तो ओवरऑल ये मेरा अपना ओपिनियन था कि अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाहें तो क्या करें। दूसरी बात, अगर इन केस आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कम से कम आपको लड़ने की पावर तो मिल जाएगी, आपके बेसिक्स तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, आपका पढ़ने का हैबिट तो बन जाएगा। तो ये जो आप पढ़ोगे कभी नॉलेज वेस्ट नहीं होता है, वो आपको नेक्स्ट ईयर काम करेगा, आपको नेक्स्ट ईयर अच्छे से अच्छा MBBS कॉलेज मिलेगा। लेकिन सफलता चाहिए तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और हार्डवर्क हमें कोई लड़ाई तो करनी नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, तो पढ़ते रहो यार, पढ़ाई से ही सिलेक्शन है, पढ़ाई से ही सब कुछ है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे फ़ोन कॉल कमेंट्स कर सकते हैं, नंबर आप लोग आपस में एक्सचेंज कर लिया करें, क्योंकि अगर मैं नंबर देता हूं तो बहुत से ऐसे तत्व भी हैं जो अन्यथा लेते हैं, वो मतलब फालतू टाइम वेस्टिंग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, तो आप प्लीज़ उन चीज़ों में ना पढ़ें। अगर आपको रिक्वायरमेंट मेरी है तो आप आपस में नंबर एक्सचेंज कर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सभी व्यूअर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।